हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ द फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट दैट इज़ बाय एच ए रॉबर्ट्स फिलोसॉफी विद यू ऑल। ओके, सो जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक का नाम ही टॉपिक के अंदर क्या है वो बता देता है, एंड आई यूजली फोकस ऑन द नेम ऑफ द टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर आप देखो फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिनोमिना मतलब क्या होता है। ओके, फिनोमिना इज सिंपली द कोई भी ऐसी कोई घटना, ठीक है, जो घटी। ओके, दैट इज़ अ फिनोमिना, किसी चीज़ का अकर होना, किसी चीज़ का होना, ठीक है, वो होता है फिनोमिना। ओके, फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट क्या होता है कि आपने वो जो चीज़ घटना घटी थी या कोई चीज़ हुई थी उसको आपने किस तरीके से देखा या किस तरीके से एक्सप्लेन किया किसी को। ओके, सो बिकॉज वी आर स्टडिंग इट इन होम्योपैथी, सो होम्योपैथी में क्या है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, किन किन चीज़ों को आप एक्सप्लेन करने वाले हो, वॉट इज़ अ फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट इन होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट्स, कि बीमारी है, डिजीज़ है, डिजीज़ का कारण क्या था, ठीक है, डिजीज़ का प्रोग्नोसिस क्या होगा, डिजीज़ जो है वो कितने दिन तक रहेगी, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप दवाई दे रहे हो तो दवाई का एक्शन क्या होगा, ठीक है, दवाई कहाँ क्या काम करेगी, और साथ ही साथ मरीज़ में क्या क्वालिटी हैं कि या तो वो जल्दी रिस्पॉन्स दे देगा या लेट रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साथ ही साथ देयर इज़ अ टर्म दैट इज़ अडेप्टेशन। ओके, आप इस चैप्टर में देखोगे अडेप्टेशन टर्म को अलग से एक्सप्लेन कर रखा है। साथ ही साथ जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई है उनको बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो में सुनना है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सुनो, अब मैं जो भी आपको बातें कहूँगी वो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया ना तो यू आर डेफिनेटली गोइंग आउट टू मिस द होल वीडियो। ओके, तो कॉज ऑफ डिजीज़, डिजीज़ का कारण, कोर्स ऑफ कंडीशन कि ये बीमारी जो हुई है ये कितने टाइम तक रहेगी, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ कि इसका होगा क्या आगे जाके, ठीक होगी कि नहीं होगी, ठीक है, आप जो दवाई दे रहे हो उसका किस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना है, दवाई तक कैसे पहुंचना है, ठीक है, उसका एक्शन क्या होगा कि वो ठीक करेगी कि नहीं करेगी, आपको पेशेंट की नॉलेज होनी चाहिए, रेमेडी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट कि आपको इन फिनोमिना को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, आपको इन फिनोमिना का पता होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि कारण क्या है डिजीज़ का, सबको पता है डिजीज़ जो है वो डायनामिक इन्फ्लुएंस की वजह से डायनामिक डरेंजमेंट है। ओके, तो अब क्या है कि एच ए रॉबर्ट्स ये कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्मिटी सब में प्रेजेंट है, ठीक है, हर कोई एक टर्म है इस चैप्टर में दैट इज़ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ठीक है, तो अगर हर कोई यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो हर इंसान में ये प्रिंसिपल डिफ़र क्यों कर रही है। अगर होम्योपैथी जो है वो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे काम करती है, ठीक है, और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म मतलब कि आप जो दवाई दे रहे हो वो ये एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है, इस बीमारी पे काम करेगी, इतने दिनों में काम कर जाएगी, इस मरीज़ को ठीक कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने ड्रग प्रूविंग में क्या किया, ड्रग प्रूविंग में आपने सिंपली जो डेटा था उसको कलेक्ट किया, ठीक है, तो वो एक तरीके का यूनिफॉर्मिटी बन गई, ठीक है, लेकिन हर इंसान में ये फॉलो नहीं हो रही। सो अकॉर्डिंग टू एच रॉबर्ट्स वो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ये होम्योपैथी में फॉलो हर इंसान में क्यों नहीं हो रही, ठीक है। मेडिसिन इन पर्टिकुलर नीड्स टू व्यू द होल एंड टू टेक इन टू कंसिडरेशन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म। ओके,
मेडिसिन को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो एच रॉबर्ट्स इज सेइंग कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसे? एक तो है राइजेस डायनामिक स्टैटिस्टिकल लॉ, ठीक है। डायनामिक लॉ क्या बताता है? रिजिड डिटर्मिनेशन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, ये डायनामिक लॉ है, ठीक है, कि ये ऐसा होगा, ठीक है। आपने प्रिडिक्ट किया, आपने किसी मरीज को दवाई दी तो आपने प्रिडिक्ट किया, ठीक है, कि ये दवाई इतने दिन में इसको ठीक कर देगी, इसका इतना ड्यूरेशन होगा, ठीक है, और इसका इफ़ेक्ट किसी इंसान पे ये होगा, ठीक है। ये हो गया डायनामिक लॉ, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिडिक्टेबिलिटी, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिकल लॉ क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी, है ना, और जिसे आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे वो चीज़ भी हो रही है, ठीक है, यानी कि वो भी कैलकुलेशंस में आ रही है। इसका सिंपल सा मैं आपको, अभी आपके दिमाग में ऊपर से जा रही होगी बातें, लेकिन एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ, इसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि मेरे पास कोई पेशेंट आया, सपोज अस्थमा का, ठीक है। अब क्योंकि होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, और उसमें भी यूनिफॉर्मिटिज्म उसने फॉलो कर रखा है, ठीक है, तो मैंने नेट्रम सेल्फ सपोज दे दी, ठीक है, केस टेकिंग ली और नेट्रम सेल्फ किसी मरीज को मैंने प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने डायनामिक लॉ अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन मरीज़ इम्प्रूव नहीं हुआ, ठीक है। मरीज़ इम्प्रूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल लॉ था वो मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, कि मैंने जो चीज़ें मेंटेनिंग कॉस्ट थी, ठीक है, जो चीज़ें अडेप्टिज़म थी वो मैंने कैलकुलेट ही नहीं की, यानी कि मैंने स्टैटिस्टिकल लॉ कैलकुलेट ही नहीं किया। और ये स्टैटिस्टिकल लॉ और डायनामिक लॉ का जो डिफरेंस है वो मरीज़ को ठीक होने नहीं दिया। मेंटेनिंग कॉज हेयर इज़ द डैम्पनेस, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अडेप्टेबिलिटी क्या है। जो मरीज़ मेरे पास आया था, ठीक है, उसने मुझे ऐसी कुछ कंडीशन बताई ही नहीं डैम्पनेस वाली, ठीक है, या फिर आप समझो कि ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं बताए जो वो बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहा था और उसने एज अ हैबिट, एज अ पार्ट मान लिया अपनी लाइफ का, एसेसरी सिम्टम्स बन गए वो उसके, और तो उसने मेरे को ये सिम्टम बताए ही नहीं और वो सिम्टम्स क्या हुए, वो ड्रॉबैक बन गए, ठीक है, क्योंकि मरीज़ को ये लगा कि वो सिम्टम्स से वो लंबे समय से सफ़र कर रहा है और वो अडेप्टेड हो गया उस एनवायरनमेंट को, ठीक है, वो उस एनवायरनमेंट में आराम से रहता है, उस एनवायरनमेंट में ही उसका रहना है, उसकी बॉडी इसी तरीके की हो गई है अब, ठीक है, तो उसको वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो उसने वो मेंशन भी नहीं किए, वो सिम्टम्स भी मेंशन नहीं किए, वो कंडीशन भी मेंशन नहीं करी। इसीलिए मैंने डायनामिक लॉ अप्लाई किया, लेकिन स्टैटिस्टिकल लॉ क्या कह रहा था कि जो चीज़ें कैलकुलेट आपने नहीं करी लेकिन वो मरीज़ को साथ की साथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ठीक है। बैलेंस बिटवीन डायनामिकल एंड स्टैटिस्टिकल लॉ वी फाइंड मार्जिन ऑफ एरर्स इन एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स टू आवर पेशेंट्स, ठीक है, यानी कि जो दोनों लॉज हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए, डायनामिक और स्टैटिस्टिकल लॉ में बैलेंस होना चाहिए। अगर इनमें बैलेंस नहीं होगा तो आप बहुत छोटा सा एरर देखोगे, ठीक है, वो छोटा सा एरर आप देखोगे कि वो आपकी दवाई में आ गया, ठीक है, कि आपने जो भी दवाई दी उसमें वो शो हो गया। आप देखोगे कि जो दो लॉज हैं, डायनामिक लॉज क्या हैं, लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन एंड लॉ ऑफ सिमिलर, कि आपको सिमिलर दवाई देनी थी, लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन देना था, ठीक है, दो डायनामिक लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। तो लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन को भी अप्लाई किया आपने, लॉ ऑफ सिमिलर को भी अप्लाई किया, लेकिन आपने जो डायनामिक लॉज थे वो ही अप्लाई किया, आपने स्टैटिस्टिकल को देखा ही नहीं, आपने उस चीज़ को प्रिडिक्ट ही नहीं किया। अगर आपने मेंटेनिंग कॉज और जो अडेप्टेबिलिटी है उसको मरीज़ के नहीं लिया साथ में,
तो आपकी दवाई में जो डिफरेंस आएगा वो आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। इफ होम्योपैथी इज एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लॉज द रिजल्ट ऑफ रेमेडी शुड बी यूनिफॉर्म। अगर होम्योपैथी, दिस इज़ बाय द एच ए रॉबर्ट्स, एच ए रॉबर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर आपकी दवाई जो है वो नेचुरल लॉज पे है बेस्ड, ठीक है, तो आपकी दवाई का जो रिजल्ट है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, वेरिएशंस कम होने चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ पे बेस्ड है, अगर यूनिफॉर्मिटरिज्म को वो फॉलो करती है तो क्या है कि आपके रिजल्ट भी जो हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है, वेरिएशंस कम होने चाहिए। लेंथ ऑफ एक्शन ऑफ पोटेंसी शुड बी सेम इन ऑल केसेस, पोटेंसी एक्शन भी जो है वो सेम होना चाहिए हर हर केस में, ठीक है। लेकिन आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे बेस नहीं है, लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन बेस नहीं है, यूनिफॉर्मिटिज्म को फॉलो नहीं करती, ऐसा हमें नहीं कहना। क्यों? क्योंकि हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है, दैट इज़ अ मेंटेनिंग कॉज एंड द अडेप्टेशन। आपको मेंटेनिंग कॉज को भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ आपको अडेप्टेशन में भी ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि मानो मेरे पास दो मरीज़ आए नेटर्म सेल्फ के, ठीक है, एक मरीज़ जो था वो तो डैम बेसमेंट्स में रहता था और एक मरीज़ जो है नॉर्मल सराउंडिंग्स में रहता था, ठीक है। दोनों का कारण क्या था? डैम बेसमेंट के कारण उनको तकलीफ़ हुई थी, लेकिन एक ने मुझे ये नहीं बताया कि वो रहता भी डैम बेसमेंट्स में ही है, ओके। तो पहले वाला जो है वो तो जो डैम बेसमेंट में नहीं रहता वो तो क्या होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, उस पर जो मेडिसिन है आपकी वो अच्छे से एक्ट कर लेगी। लेकिन दूसरा वाला जो है जो डैम बेसमेंट में रहता है उसमें मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी ने उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया, अब उसमें मेंटेनिंग कॉज बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें जो ड्यूरेशन ऑफ द रेमेडी है और जो आप प्रोग्नोसिस कर रहे हो कि इतने दिन में ये रिज़ल्ट मुझे ये दे देगा, वो नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दवाई जो है वो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर पे बेस नहीं है, या फिर आप जो है लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन को फॉलो नहीं कर रहे या आप सिमिलर को फॉलो नहीं कर रहे, आप सब चीज़ फॉलो कर रहे हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द स्टैटिस्टिकल लॉ ऑल्सो, ठीक है, कि जो आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे वो भी आपकी दवाई में ऐड होगा और आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर लिखी हुई है जो ध्यान रखनी है कि बीमारी का कारण क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ कंसेप्शन, ग्रोथ, वाइटल एनर्जी एंड डिके। अगर कंसेप्शन में ही प्रॉब्लम नहीं होगी तो ग्रोथ में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वाइटल एनर्जी में प्रॉब्लम नहीं होगी और इंसान डिके भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर क्योर नहीं हो रहा तो उसके पीछे का कारण क्या है कि आपको क्या करना है, उसका नॉर्मल डेवलपमेंट कराना है और उसके वाइटल बैलेंस को रिटेन करके रखना है, ठीक है। सो दीज आर द टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं कि जो चैप्टर है आपका ये, ठीक है, फिनोमिनल व्यू पॉइंट, ओके, तो फिनोमिनोलॉजिकल व्यू पॉइंट जो चैप्टर है उसमें सिंपल क्या बता रखा है, तो सिंपल सा ये बता रखा है, द मेडिसिन नीड्स टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेनिज्म, ओके ओके। देन देर इज अ राइजर्स डायनेमिक स्टैटिस्टिकल लॉ, ये मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर इन दोनों में बैलेंस होगा तो आप देखोगे कि अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब्ड होगा, थोड़ा सा भी एरर होगा, ठीक है, तो आपको जो रिज़ल्ट है उसमें भी एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा जो मतलब था वो यही था कि आपको जो मेंटेनिंग कॉज है और जो अडेप्टेशंस है मरीज़ की वो भी ध्यान में रखनी है, जो स्टैटिस्टिकल लॉ बनाती हैं, और फिर आपको दवाई जो है वो अप्लाई करनी है, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा कि इस वीडियो में क्या है और इस चैप्टर में एच रॉबर्ट्स ने क्या बता रखा है। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी वीडियो, अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।